ने सिस और ट्रांस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ई और जेड नोमेनक्लेचर। इसमें अपन पढ़ेंगे इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, इसके एग्जांपल, कैसे ट्रिक से इसको कर सकते हैं, और उसके बाद में सीआईपी रूल देखेंगे अपन, एक इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ई और जेड नोमेनक्लेचर, देखो ई का मतलब जनरली, देखो इनका मीन निकालो तो ई का जो ई वर्ड है वो एंटाजन से बना हुआ है, और जेड है जो जुस्सामेन से बना हुआ है। अब ई कहां लगाएंगे, जेड कहां लगाएंगे वो देखते हैं। तो अपन बात करें ई के लिए और जेड के लिए, तो जेड होता है अगर आपके पास सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड है तो वहां जेड यूज होगा, और सीनियर ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो वहां ई यूज होगा। अब सीनियर ग्रुप को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सीनियर ग्रुप है, उसको पता लगाने के लिए अपन सीआईपी रूल पढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं सीआईपी रूल क्या है, बेसिकली इनको एक बार बता के सीआईपी रूल देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इसमें जो मैंने बताया जेड कहां यूज करेंगे, एक बार यहां पे ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, जेड सीनियर ग्रुप अगर आपके पास सेम साइड है, देखो यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं सीनियर ग्रुप, पहले वो समझाता हूं। सीनियर ग्रुप कौन सा होगा, पहली बात, ये सीनियर ग्रुप को डिफाइन करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे सीआईपी, ठीक है, इनकी अपन शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है, इनगोल्ड वगैरह इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। उन्होंने बताया कि सीनियर ग्रुप कौन सा होगा, उसके ये रूल्स हैं, ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, उन्होंने रूल्स कुछ बता दिए कि ये होंगे तो ये सीनियर ग्रुप होगा। पहली बात, अगर कोई आपके पास एटम है, एलिमेंट है, उसका हायर एटॉमिक नंबर है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका सीनियरिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बात करें क्लोरीन और फ्लोरीन में, अब इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है ना, तो क्लोरीन सीनियर ग्रुप हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, सीनियर ग्रुप हो गया। तो पहला जो सीआईपी रूल है, पहला क्या है कि जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा वो सीनियर होगा, यानी एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो सीनियरिटी में आएगा। तो एटॉमिक नंबर यहां पे क्लोरीन का ज्यादा है तो क्लोरीन सीनियर ग्रुप हो गया। अपन बात करें, देखो एक लिस्टिंग बनाते हैं एफ सी एल बी आर आई, अब इसमें सीनियर देखना है तो यहां अगर बी आर और आई आई तो आई सीनियर, फिर ये सीनियर, ये सीनियर, तो सीनियरिटी का क्रम हो गया आई बी आर सी एल और एफ। कैसे सीनियर अपन ने माना, पहले बात अपन ने यूज की कि जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, हायर एटॉमिक नंबर, वो उतना ही ज्यादा सीनियर होता जाएगा, मतलब वो सीनियर ग्रुप में काउंट होगा। ओके, जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इनमें से बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, जो नाइट्रोजन है उसका 7 होता है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपन ने सीनियर ग्रुप देख लिया, ये बात हुई। अगर आपके पास दूसरी बात समस्थानिक आ जाए, यानी आइसोटोप्स आ जाए, तो जो जिस आइसोटोप का भार जितना ज्यादा होगा वही सीनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं सीआईपी रूल दूसरा, अपन एटम्स चेक करने की बात कर लेते हैं, देखिए ठीक है, आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, तो देखो जैसे आपके पास है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, तो ये बताओ इसमें से कौन सा सीनियर होगा, तो यहां पे बात करें तो ये सीनियर ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन 37 ज्यादा है और 35 कम है। ओके, तो ये बात होगी आपकी सेकेंड में, ठीक है, यानी जिसका अधिक समस्थानिक भार होगा उसे अधिक वरीयता दे देंगे। जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन 18 की, और अपन बात करें एक ऑक्सीजन 16 ले लेते हैं, ये तो इनमें कौन सा सीनियर है, ऑक्सीजन 18 वाला सीनियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना है। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन ये 3 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन वाला, फिर 2 1 और फिर हाइड्रोजन इस पे 1। ओके, तो यह 3 2 1। ओके, इस प्रकार इनको ऑर्डर देखना है आपको, तो सीनियरिटी पता चल गई सीनियर ग्रुप कौन सा होगा। भाई इसमें मेन चीज क्या देखोगे, जेड आएगा, वहां सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड है
तो वो जेड नोमेनक्लेचर में आ जाएगा। अगर सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो ई में आ जाएगा। अब यहां पे सीनियर ग्रुप देखना आपको आ गया, ठीक है। एक थर्ड बात करते हैं अपन, जो एटम्स हैं उनका नंबर चेक करो। अगर देखो आपके पास यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे NH2 और NO2 है। अब आप इनमें कैसे, इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा सीनियर है? अब यहां पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेम है भाई, इनका दोनों का सीनियरिटी से, इसका भी नंबर एटॉमिक नंबर सेवन है, इसका भी सेवन है, ऐसा हो गया। अब आप सेकंड जो एटम है उसको चेक कर लो, इसमें इस कंपाउंड में। पहली बात सीनियर ग्रुप में अपन ने ये चेक कर ली, पहला एटम, पहला एटम अगर यहां पे और कुछ होता सीनियर तो उसको सीनियर दे देते, ठीक है। बट यहां पे तो पहला तो सेम है, तो दूसरे नंबर का चेक कर लो। दूसरे नंबर पे यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन है। अब देखो सीनियर कौन सा है, हाइड्रोजन सीनियर या ऑक्सीजन? तो यहां पे ऑक्सीजन सीनियर है, तो इसकी सीनियरिटी हो गई NO2 की कम हो गई, और सॉरी NO2 की ज्यादा हो गई और NH2 की कम हो गई। तो यहां पे सीनियरिटी इस प्रकार होगी इनकी, यानी NO2 सीनियर ग्रुप हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एक एग्जांपल की ओर देखें इसमें अपन, तो सी डब्ल्यू एच वाला और सी एच थ्री वाला भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, वन मिनट देखते हैं। जैसे अपन बात करें सी डबल ओ एच और सी एच थ्री, अब इसमें बताओ, इसमें देखो पहला आइटम कार्बन, कार्बन सेम है। दूसरा आइटम देखो, दूसरा यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज्यादा सीनियर है ना, तो ये सीनियरिटी का ऑर्डर हो गया इसका, यानी सी डब्ल्यू एच ज्यादा सीनियर हो गया। ओके, तो इस प्रकार सीनियरिटी देखनी है आपको इनमें। पहला हायर एटॉमिक नंबर देखना है, दूसरा मैंने बताया कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें ज्यादा वाला होगा वो होगा। तीसरी बात, अगर पहला वाला सेम है तो दूसरे नंबर का देखो, दूसरा वाला सेम है तो थर्ड नंबर का, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ नंबर का एटम देखना आपको, समझ गए। जिसमें जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उतना ही सीनियर होगा। ओके, ज्यादा सीनियर होगा। ये बात हुई, तीन नियम हो गए सीआईपी के। फोर्थ नियम की बात करते हैं अपन, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? मान लो आपके पास एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दिए हुए हो, तो आप सीनियरिटी कैसे बताओगे? तो अपन बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल फोर्थ नंबर की बात करते हैं, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे ये है आपके पास एक लोन पेयर दे दिया और ये ओ एच, यानी ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब बताओ आपके पास एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर, तो सीनियर कौन सा होगा? तो अपन यहां पे बात करें तो बॉन्ड पेयर, यहां पे लिख लो बॉन्ड पेयर, ये होगा सीनियर, और जो लोन पेयर है वो सीनियर नहीं होगा जब बॉन्ड पेयर आएगा। तो यहां पे बॉन्ड पेयर कौन सा है? ये वाला ग्रुप, और जो लोन पेयर है ये यहां पे, तो सीनियर कौन सा हो गया? ओ एच वाला। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट फिफ्थ रूल की बात करें अपन, तो फिफ्थ रूल है अगर आपके पास कंपाउंड थ्री डिग्री है तो वो सीनियर होगा, फिर टू डिग्री आएगा, फिर वन डिग्री आएगा, ठीक है, यानी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ये ऑर्डर होगा। ओके, सिक्स्थ रूल की बात करें, अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिया हुआ है तो वो ज्यादा सीनियर होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सीनियर होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। तो ये कंपाउंड्स का रूल देखिए, तो आपको ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं पहले वाले से। पहले तो आपको एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर, पहली बात मेरी बात सुनो, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर देखना आ गया ना, जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर वो उतना ही ज्यादा सीनियर होता जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना तो वो सीनियर हो गया, ये बात कंफर्म याद कर लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सीनियर। ओके, एटॉमिक नंबर जिस ग्रुप का ज्यादा वो ज्यादा सीनियर हो गया। ओके, यहां पे बात क्लियर होगी, उस सीनियर ग्रुप के हिसाब से ई और जेड का नोमेनक्लेचर करेंगे। अब कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ये बात तो पता है कि सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए तो उसे जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, अगर जो सीनियर ग्रुप है वो अपोजिट साइड आते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। जैसे एक बेसिक चीज बता देता हूं आपको,
सी डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन फ्लोरीन, यहां पे अपन कर लेते हैं एक हाइड्रोजन और सेकंड देखते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, मान लो ये कर लिया अपन ने। अब एक कंपाउंड ये है, सेकंड कंपाउंड अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन कार्बन ब्रोमीन डबल बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन। अब पहली बात होगी ई और जेड नोमेनक्लेचर में सीनियर ग्रुप देखने की। तो सीनियर ग्रुप देखो, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से कौन सा सीनियर है? देखो यहां पे नंबर दे दो, वन नंबर सीनियर के लिए और जो बचा उसके लिए दो नंबर दे दो। देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन हो गया सीनियर और ये बच गया। ओके, अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन सीनियर है? क्लोरीन सीनियर है, क्लोरीन को दे दो नंबर। ओके, ऐसे दे दो वन नंबर और फ्लोरीन नहीं है। तो यहां पे देखो जो सीनियर ग्रुप है, यहां पे ये क्लोरीन सीनियर है, यहां पे ब्रोमीन सीनियर है, दोनों के सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है और दोनों के सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो यहां पे कॉन्फ्यूग्रेशन ई लिखेंगे। यहां पे कॉन्फ्यूग्रेशन कौन सा लिखेंगे? ई लिखेंगे। ओके, क्लियर हुई बात। अब इस कंपाउंड में देखो, यहां पे ब्रोमीन सीनियर है और यहां पे क्लोरीन सीनियर है। अरे सीनियर ग्रुप एटॉमिक नंबर चेक करना आता है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन से और फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, समझ रहे हो? अरे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एक, हीलियम का दो, लिथियम तीन, ये पता है ना, ये एटॉमिक नंबर है, तो यही देखना है बस। अब देखो यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन सीनियर हो गए, सीनियर ग्रुप अगर सेम साइड है, सेम साइड सीनियर ग्रुप सेम साइड, यहां पे लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, तो ये सीनियर ग्रुप सेम साइड है तो ये हो गया जेड। मतलब हुआ है क्या, यहां पे सीनियर सीनियर ग्रुप सेम साइड ग्रुप सेम साइड। ओके, यहां पे देखो, यहां पे यहां, तो सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड आते हैं तो ई यूज करते हैं, सेम साइड आते हैं तो जेड यूज करते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको यहां तक? सीनियर ग्रुप देखना सिखा दिया, अब नोमेनक्लेचर करना सिखा रहा हूं, समझ रहे हो ना बात है? इसको उतारो, चलो एक एग्जांपल से और बताता हूं, इसको करो नोट, करो इसको नोट करो, चलो ठीक है हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स और करवाता हूं, अच्छे एग्जांपल्स, जैसे है आपके पास कंपाउंड है Cl 35 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन और यहां पे क्लोरीन, चलो क्लोरीन नहीं यहां पे कर लेते अपन आयोडीन, चलो ठीक है, और यहां पे Cl 37 वाला, ओके आइसोटोप है ये इसके, कार्बन Cl 35 Cl 37 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आयोडीन और फ्लोरीन। ओके, तो इन दोनों कंपाउंड में आप चेक करो कौन सा सिस है और कौन सा ई है और कौन सा जेड है। उसके लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक करो, फ्लोरीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का। ओके, और देखो Cl 35 और Cl 37 दे रखा है, तो ज्यादा कौन सा है, सीनियर कौन सा है? Cl 37 वाला, ये 37 है और ये 35 है, ज्यादा वाला सीनियर होता है। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब यहां पे देखो सीनियर ग्रुप, ये सीनियर है, यहां पे ये सीनियर है, दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड है, यहां पे लिख दो SeNOR सीनियर ग्रुप सेम साइड। अगर सीनियर ग्रुप सेम साइड है तो इसके लिए आप जेड यूज करोगे, इसके लिए क्या यूज करोगे? जेड यूज करोगे। अब यहां पे देखो
यहाँ पे क्या है देखो, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, तो ये 37 वाला सीनियर हो गया। ओके, यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन में से आयोडीन सीनियर होगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो देखो ये देखो अपोजिट है ना, ये अपोजिट है ना, तो यहां पे सीनियर ग्रुप अपोजिट, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसके लिए, ई यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ बच्चों? अरे कुछ नहीं है, देखो एटॉमिक नंबर देखना है, सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर देखो सीनियर वाला, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा ना वो सीनियर होगा। इसमें आयोडीन का ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, तो आयोडीन सीनियर। और देख लो कौन सा अपोजिट है और सेम साइड है, अगर सेम साइड है तो जेड लगा दो, अपोजिट है तो क्या लगाओगे, ई। ओके, ये बात क्लियर हुई। एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ, रुको रुको, एग्जाम्पल से और बताता हूँ, इसको एक बार वो कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे आपके पास है NO2 C, यहां पे अपन कर लेते हैं COOH है, डबल बोन सी, यहां पे सी एन, यहां पे बी आर, यहां पे सी डबल ओ एच। ओके, ये कर लिया, ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है आपके पास एनओ टू सी डबल ओ एच, डबल बोन सी बी आर और सी एल, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को देखो आप, अब इसमें आपको ई और जेड देखना है, ई कौन सा है जेड कौन सा है। सबसे पहले सीनियर ग्रुप देखो, देखो इसमें देखते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन सीनियर है, टिक लगा लिया अपन ने। अब देखो NO2 और COOH में कौन सा सीनियर है, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे कार्बन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा सीनियर होता है ना, तो नाइट्रोजन हो गया सीनियर ग्रुप। ओके, यहां पे नाइट्रोजन सीनियर हो गया, यहां पे ब्रोमीन सीनियर हो गया। अब ये बताओ अपोजिट साइड कौन सा है, सेम साइड कौन सा है। यहां पे देखो ये क्या है, ये अपोजिट साइड है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं सेम ग्रुप, सेम या सेम ग्रुप सीनियर ग्रुप पे, सेम ग्रुप क्यों करेंगे, सेम तो सिस और ट्रांस में करेंगे, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड। ओके, अगर अपोजिट साइड है तो इसके लिए ई यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये बात, ई, तो ये क्या हो गया, ई हो गया, अपोजिट है तो ये क्या हो गया, ई हो गया। इसमें देखो सेम ग्रुप जैसे NO2 और Br है, ये सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप, सॉरी सेम सेम हो रहा है, सेम नहीं, सीनियर ग्रुप, जो सीनियर ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड है, ठीक है, सीनियर ग्रुप सेम साइड, ये हो गया सीनियर ग्रुप। अगर सेम साइड हो तो इसके लिए जेड यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया ई और ये हो गया जेड। अब पता चल गया ना ई और जेड कैसे लिखते हैं, यानी ये देखो अपोजिट है, 180 डिग्री है तो इसे ई लिखेंगे, ये सेम साइड में है तो इसे लिखेंगे जेड।